जय श्री माता जी। आज मैं आपको मोज़रेला चीज़ बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ दो चीज़ों से मोज़रेला चीज़ बनेगा। आपको 1 लीटर कच्चा दूध चाहिए और नींबू का रस। नींबू का रस ये आप स्टोर कर सकते हैं, ये मैंने गर्मियों में स्टोर किया था। सारे नींबू जब सस्ते होते हैं तो आप नींबू का रस निकाल कर आप या तो आइस ट्रे में इसको क्यूब्स के रूप में जमा कर स्टोर कर सकते हैं, या फिर किसी कंटेनर में आप इसको रख कर फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप फ्रीज़र में से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लेमन जूस है। और अब आज मैं आपको इससे मोज़रेला चीज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो अब हमने ये 1 लीटर कच्चा दूध लिया है। अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। अब इसको सिर्फ इतना गर्म करना है जैसे दही जमाते हैं, सिर्फ हमको इतना दूध गर्म करना है। ये अब ये हमारा दूध जितना दही के लिए गर्म करते हैं उतना हमने गर्म कर लिया है। अब ये लेमन जूस, ये भी मैंने हल्का सा गर्म किया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे। फिर थोड़ा डालेंगे अब आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे मोज़रेला रूप से अलग होने लग गया है। इसको आप लगातार चलाते रहेंगे। अब देखो इसको चलाते चलाते अब ये मोज़रेला चीज़ आ गया है। इसको हम ऐसे भी थोड़ी देर और चलाएंगे। अब आप ये देखें बिल्कुल दूध से ये बिल्कुल अलग हो गया है। मोज़रेला बिल्कुल, पानी और मोज़रेला बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम हाथों की सहायता से इसके पानी को बिल्कुल निकाल देंगे। अब इसको हम ये बोल जैसा बन गया। अब हम इसको सबसे पहले ठंडे पानी में डालेंगे। इसको हम अच्छे से ठंडे पानी में धोएंगे। साथ ही मैंने ये गर्म पानी लिया हुआ है, इसमें नमक डाल के रखा हुआ है। पहले हम इसको अच्छे से ठंडे पानी में धोएंगे, ऐसे दबा दबा के धोएंगे। अब इसको हम ठंडे पानी में से निकाल कर ये गर्म पानी में धोएंगे। ये इतना ही गर्म है कि हम इसमें उंगली आराम से दे सकें। अब इसको 1-2 मिनट ऐसे ही दबा दबा के धोएंगे ताकि इसके अंदर का जो खट्टापन है वो सारा पानी में निकल आए और जो हमने नमक डाला था वो इसके अंदर आ जाए। अब हम इसको पानी में से गर्म पानी में से निकाल कर दबा दबा कर एक अच्छा सा इसका गोला तैयार कर लेंगे। ये देखो अब ये हमारा मोज़रेला चीज़ तैयार है। अब इसको हम 2 घंटे फ्रीज़र में रख देंगे। ये मैंने कंटेनर में रख दिया है। अब ये जो पानी बचा है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये बेकार नहीं है। इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है इसमें। इसको हम आटा गूंथते हुए यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं। 2 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद अभी हमारा मोज़रेला चीज़ तैयार है। देखो मैं ग्रेट करके दिखा रही हूँ, ये इतना अच्छा ग्रेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स अब ये मैंने आपको टोस्ट बना के दिखाया है। ये जो अभी मैंने मोज़रेला चीज़ बनाया था, ये देखो कितना अच्छा मोज़रेला बनके हमारा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना घर में इजी है मोज़रेला चीज़ बनाना। मार्केट के मोज़रेला चीज़ से कितना अच्छा है आप घर में बनाएं। बच्चों को पसंद भी बहुत आएगा क्योंकि बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है मोज़रेला चीज़। आप इसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लब सैंडविच बनाने हो, पिज़्ज़ा बनाना हो,
या वाइट सॉस पास्ता की ग्रेवी बनानी हो तो आप कई चीज़ों में ये मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इतना महंगा मिलता है और ये मार्केट में पता नहीं कैसे कैसे हाथों में से होकर आता है। आप घर में बिल्कुल शुद्ध साफ़ सुथरा मोज़रेला चीज़ बना सकते हैं। आप एक बार मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।